हानिया साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरकार वालेकुम। कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा महसूस कर रहे हैं? थिएटर में एक फिल्म रिलीज होनी है और अंदर धक 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 चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। आई थिंक हर फिल्म से पहले जो स्ट्रेस होता है और एंग्जाइटी होती है, मगर वो एक कहते हैं ना गुड एंग्जाइटी जो होती है। बट यू आर यूज्ड टू इट। आई मीन तीन फिल्में पहले एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटिंग है। आई मीन फाइनली जो आपने इतनी मेहनत की है, हमारे लिए तो 2 साल की ये मेहनत है, तो फाइनली जाके वो पर्दे पे खुलने वाली है, तो एक्साइटिंग है। हम उम्मीद रखते हैं कि ऑडियंसेस इंजॉय करेंगी, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से बनाई है। स्क्रिप्ट में हम बिलीव करते हैं, हम प्रोडक्ट में बिलीव करते हैं, हम अपने कैरेक्टर्स में बिलीव करते हैं। तो एज एन एक्टर हमारे लिए और क्या बेहतर बात हो सकती है कि ऑडियंसेस फाइनली गेट टू सी द वर्क दैट वी डू। इंशाल्लाह रिएक्शन विल बी ब्रिलियंट। यू हैव ग्रेट फैन फॉलोइंग जी, तो क्या है मुंतजर ऑडियंस? क्योंकि जितनी हमने प्रमोशन किए हैं बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। एंड ऑल्सो एज अ प्रोजेक्ट, जैसे अली ने कहा, वी रियली बिलीव जिस बारे में बात हो रही है, फिल्म जिस तरह मजा आते हैं, क्योंकि हमने देखी है तो हमें बहुत अच्छी लगी है। तो आई एम होपिंग दैट एवरीबॉडी लाइक्स इट, उनको पसंद आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारी पूरी दुआएं। सरकार एक दौर हुआ करता था लंबी चौड़ी हेरवन होती थी जिस खेत च नचती सी, तो फिर उदे ते फसल नहीं उगती सी। अब की हेरवन साशे में भी दस्तयाब है। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो ये हाउ डू यू टेक दिस ट्रेंड जी? ये जो वर्ल्ड वाइड ट्रेंड बदल गया, अब एक ऑल आउट जो एक चॉकलेट बॉय हीरो होता था वो अब नहीं, हम देख रहे हैं रियल इश्यूज पे मूवीज बन रही हैं। हीरोइन भी इनकी कोई एंट्रीज नहीं है हमारी फिल्म, जब आप देखेंगे ना तो वो स्लो मोशन में बाहर हिलाते में नहीं आ रही, बस ऐसी फिल्म शुरू हो जाती है। अच्छा, ओके। टाइम्स हैव चेंज बिकॉज़ ऑफ डिजिटल आल्सो एंड नेटफ्लिक्स और ये वो, तो लोगों को आदत हो गई है जरा जरा गर्ल नेक्स्ट डोर बॉय नेक्स्ट डोर वाले। हाँ, तो ये हाँ। एक्टर अच्छा हो, बाकी चार्म तो सारा वो खुद लेके आते हैं स्क्रीन पे। बिल्कुल ठीक बात है। बाकी लुक्स तक बाद में, बट आई थिंक वजाह साहब कंटेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इस दफा तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। देयर आर 5 मूवीज व्हिच आर बीइंग रिलीज्ड और सारे एक से बढ़ के एक वाला मामला हुआ पड़ा। कोई बुरी नहीं लग रही मूवी। हाँ। ना कि एक दो से डर नहीं है, सारी मूवी अच्छी है अनफॉर्चुनेटली। और सारों में मतलब के टॉप नॉच एक्टर्स हैं। सारों में समहाउ द अदर कोई ना कोई सोशल इश्यू अटैच्ड है। जी, जी। आपको नहीं लगा कि ये किरदार करने के बाद पूरे मोहल्ले की उंगलियां उठेंगी आपकी तरफ या पहले ही उठती हैं? यूज्ड टू इट। नहीं, यूज्ड टू इट। और ये जो जहाज, इसको देहातों में ना जहाज बोलते हैं, क्या ये आपकी तबीयत का भी हिस्सा है या ये आपने सिर्फ बनाए हुए हैं? नहीं, मैं जहाज नहीं हूँ। नहीं, मुझे मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे कोई उंगलियां उठेंगी या ऐसे कुछ तनकीद होगी। मैंने सोचा ही नहीं है उस बारे में, क्योंकि मुझे एज एन एक्टर मुझे स्टोरी से ज़्यादा लगाव है और मुझे वो चीज़ करने का शौक़ है जो जिस पे मेरी मेहनत हो सके, जिस जो मुझे इंटरेस्ट करे। तो आई मीन व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट तो मुझे यही एक चीज़ इंटाइज की थी कि हमने कभी ज़िंदगी में पाकिस्तानी फिल्म में ऐसा सब्जेक्ट मैटर टैकल होते डिस्कस नहीं किया और कभी भी नहीं हुआ और कोई हीरो ऐसा आया ही नहीं है। तो अली, ये बोल्ड लग रहा है आपको टॉपिक? पाकिस्तान के हिसाब से बोल्ड है क्योंकि टैबू सब्जेक्ट है। अगर आप इसकी बात करते हैं जिस तरह हमने बात किया है इनफर्टिलिटी की, तो इट्स अ टैबू सब्जेक्ट। वो यही चीज है ना कि बगैर सोचे समझे, बिकॉज पीपल आर नॉट एजुकेटेड, इतनी इस बात इसके बारे में कोई अवेयरनेस क्रिएट ही नहीं हुई है ना। ये लोग बस घरों में छुपा के रखते हैं। तो वो एक चीज है कि जब तक कोई बात नहीं होगी, कॉन्वर्सेशन नहीं शुरू होगी, तो कैसे लोगों को पता चलेगा कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है ये, जुरत करना भी बड़ी हिम्मत वाली गल लगी कि तुम ए वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हो फिल्म में, दो यू विल ट्रीट इट इन अ लिटिल बिट लाइटर वे इन फैक्ट, बट स्टिल हमारी सोसाइटी में ये एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल, बस लाइटली किया, कोई ओवर द टॉप चीज नहीं, इतनी डायरेक्टली बात भी नहीं की इस बारे में। अच्छा, तो वो बस टच करते हुए आप चले जाते हैं, सबको पता है क्या हो रहा है, लेकिन मुंह से जुबानी बोलना जरूरी नहीं है। ये कोशिश की भी हमने थ्रू माय डायरेक्शन और मोशन्स राइटिंग ऐसा कुछ हो जाए। तो एक और मैं इशू से भी कह रहा हूँ, हमारे यहाँ जब ये प्रॉब्लम होता है तो अमूमन औरत पे डाल देते हैं जी, तो उसी शादी कराओ लड़के, बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो ये भी इशू टैकल हुआ है। हाँ। गिविंग टू मच अवे, जहाँ वैसे भी देखें पर्दे में रहने दो, मेरा ख्याल है आपने चीज अंडर वो पर्दे ही जो है लेयर लेयर में डाल दी है नीचे, असल में उल्टा है कि पर्दे में ना रहने दो, इसलिए हमने ये चीज की है सर के भाई, सब कहते हैं कि ऐसी चीजों को पर्दे में रहने दो, बट हम उसको खोल के बाहर ला रहे हैं। ओके, अच्छा। हाँ, हर चीज का कोई ना कोई सलूशन है। लेकिन हाँ, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? देर हो जाती है, आपको खामोश बैठे। सर, मैं पहले कुछ और पूछना चाहता हूँ। पूछे किससे? सबसे। हाँ जी। के
एक वक्त था जब जो बड़ा लो तबका है हमारे रेडियो वाले जो मजदूर, बिल्कुल बिल्कुल सर, वो अभी भी देखना चाहते हैं वो खेत डांस हिरवना नाच रही ने सब्जियां का बेड़ा गर्क हो रहा था सर, उन्हों का की विचार है उन्होंने क्यों नहीं असी उन्होंने वजाहत साहब इसका जवाब देंगे। बिल्कुल ठीक, आई थिंक कॉमेडी समझ आती है जी, फैसलाबाद हो, मुल्तान हो या हैदराबाद हो, गाने भी हैं बिल्कुल, थोड़ा सा डांस भी है, तो है कमर्शियल फिल्म ये, पर खेत नहीं है मेरे ख्याल में सर, उनके लिए सब कुछ है इसके अंदर, हीरो घोड़े पे भी नहीं आ रहा, घोड़े पे भी नहीं आ रहा, बाइक पे आ रहा है। ये जो कंटेंट है ना, ये भी हम लोगों ने ही बनाया है ना, हम लोगों ने ही लोगों को सेंसिटाइज किया ऐसी कंटेंट पे, एक पूरा डेकेड दो डेकेड हम लोगों ने गंडासा फिल्म बना के ऑडियंसेस को बस अट्यून्ड कर दिया कि यही है, लेकिन हीरो इसी तरह होता है, गंडासा ना हो उसकी जगह कोई और कुछ और कुछ क्लैशनकोफ हो जाए जो भी हो जाए लेकिन मैं आपको अभी एक बात बताऊं, उस जमाने में जो ये तबका जिसका जिक्र कर रहे हैं ना, वो रिलेट करते थे राही साहब के साथ, क्योंकि उनकी अपनी भी तमन्ना होती थी कि मैं थानेदार की बेइज्जती करूं। हां सच्ची और ईमानी बात है, इसलिए लार्जर देन लाइफ अगर राही साहब बने तो ये वजूहत हैं, बिल्कुल तो वो अपने आप को देखते थे राही साहब के अंदर, बिल्कुल तो आप समझते हैं कि आवाम अपने आप को आपके अंदर देखेगी। मुझे लगता है कि एक रिलेटेबिलिटी होती है, ये कैरेक्टर्स जो हैं को ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, कोई रिलेटेबल कैरेक्टर, रिलेटेबल कैरेक्टर, लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऑर्डिनरी पीपल है, घर भी इनके ऑर्डिनरी है, वही बातें चल रही हैं इनके घरों में जो हर एक घर में चलती है, शादी क्यों नहीं कर रहे, बच्चे क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं कर रहे, ये बड़े बड़ी फैमिलीज को ये इश्यूज हैं एंड वो बाहर नहीं निकालते इन इश्यूज को। और हमें अभी प्रमोशंस में बड़े लोग मिले हैं जिन्होंने आके खुद बताया कि हमारी कहानी है, ये मेरे साथ हुआ है, अ मैन आल्सो केम फॉरवर्ड, उसने कहा कि मेरे साथ भी ये हुआ है और अब मेरे साथ मेरा एक बेटा भी है, तो ये चीजें जब लोग देखने आएंगे तो ये नाजो है और ये शानी है, दे विल थिंक कि ये तो मैं हूँ और ये मैं हूँ, तो अगर ये चीज उनको आएगी तो अगर उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फिल्म देखने से तो हमारे तो ये बहुत अच्छा है। आई एग्री, इस दौर में आप लोग जिहाद कर रहे हैं और मेरी दरख्वास्त है अपने ऑडियंस से कि ये जाके जरूर देखें, और इस तरह के टॉपिक ये वो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में लोग गिला शिकवा करते हैं कि हमारी तो फिल्म बनती नहीं है सोशल इश्यूज के ऊपर, उसमें तो कोई पैगाम ही नहीं होता, तो हुण जाओ ना जाके तको हुण कार पे बैठे, तकना बहुत जरूरी है। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, पर्दे में रहने दो, वेलकम बैक टू जी सरकार। एक मंतक ये भी है जो हम अक्सर फिल्म के जब लोग आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि ये छोटी स्क्रीन का एक्टर है, ये बड़ी स्क्रीन का एक्टर है, ये होता है ऐसा है मामला? आई थिंक वो एक पुराना एक फॉर्मेट था, अब नहीं है। आपके मूवी स्टार्स जो थे ना बड़े इलूसिव से होते थे, आपको पता ही नहीं होता था क्या, एक मिस्ट्री होती थी उनकी, अब सोशल मीडिया की वजह से लोग देखना चाहते हैं कि आपके स्टार्स क्या कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि द लाइंस बिटवीन, वो तो स्टार्स बताते रहते हैं अक्सर, बिल्कुल जब फर्स्ट क्लास में बैठते हैं तो और फिर चाहे पामे जाके पीछे कॉमेडी बैजन में अक्सर देखिया है, एखो जी आर्टिस्ट भी देख के माशाल्लाह वीर की बात, सिर्फ फोटो दी हद तक वो फर्स्ट क्लास से होंदे ने, मैं बस यही कह रहा था कि वो पुराने लगा पुराने की सोच आता कि मेरे पे डाले।